नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको और एक बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। खाना खाते वक्त खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए हमें अचार, चटनी या सैलड की जरूरत लगती है। तो आज मैं आपको वही खाने का स्वाद चार गुना बढ़ाने वाला बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा ऑनियन लच्छा सैलड बना के दिखाने वाली हूँ, जो बिल्कुल ऑयल फ्री और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये स्वादिष्ट ऐसा ऑनियन लच्छा सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ दो प्याज लिए है और उन्हें मैंने यहाँ गोल गोल आकार में कट किया है। तो आप ये सैलड बनाने के लिए प्याज को अलग अलग डिज़ाइन में कट कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हमें इसमें आधा गिलास पानी डालना है और इस प्याज को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। तो यहाँ मैंने अभी प्याज को अच्छी तरह से धो लिया है। फिर हमें इस प्याज में से सारा पानी निकाल देना है। तो यहाँ मैंने प्याज में से सारा पानी निकाल दिया है। फिर हमें इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। फिर हमें इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डालना है। फिर हमें इसमें स्वादानुसार बारीक कट की हुई हरी मिर्च डालनी है। फिर हमें इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो अदरक लहसुन की पेस्ट ऑप्शनल है। अगर आपको ये टेस्ट पसंद नहीं तो आप बिना अदरक लहसुन के पेस्ट के भी ये सैलड बना सकते हो। फिर हमें इसमें दो चम्मच नींबू का जूस डालना है। फिर हमें इसमें दो चम्मच बारीक कट किए हुए हरी धनिया डालनी है। तो हमें धनिया को एकदम बारीक कट करना है। फिर हमें इसमें स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डालनी है। तो हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है। फिर आखिर में हमें इसमें स्वादानुसार नमक डालना है। तो आप इसमें एक चम्मच चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो। फिर हमें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी यहाँ ये सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और ये स्वादिष्ट ओनियन लच्छा सैलड बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे खाना खाते वक्त सर्व कर सकते हो और खाने का स्वाद चार गुना बढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।